Students, have you ever seen table of contents or index? Of course, ma'am. जब भी हम कुछ चैप्टर स्टार्ट करना हो, कुछ पढ़ना हो, सबसे पहला काम इंडेक्स से तो चेक करते हैं कि कौन सा चैप्टर मेरा कौन सा टॉपिक इस पेज पर है. राइट, डेफिनेटली. सो हैव यू क्रिएटेड द इंडेक्स? व्हाट कुड बी योर आंसर नाउ? यस मैम, असाइनमेंट्स बनाते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं, इंडेक्स तो बनाते ही हैं. बट अगर उस इंडेक्स में कुछ मिस्टेक हो जाए तो क्या करते हो? दोबारा बनाना पड़ता है और कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, राइट? सो अगर यही मैजिक मैं किस में करूं? कंप्यूटर में, अपने ओपन ऑफिस राइटर में. यस, इट्स द मेन मैजिक ऑफ दिस कि आप सारा का सारा कंटेंट लिखो, इट विल जनरेट द टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली. और साथ ही इसमें काफी सारे फीचर्स और भी हैं. सो यस, दिस इज स्वाति चावला. आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू कस्टमाइज एंड क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स. एंड दीज आर द वेरियस सब टॉपिक्स दैट वी विल कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. एंड दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स, हाउ टू क्रिएट दैट, हायरार्की ऑफ हेडिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बिकॉज जो भी आपका टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द हायरार्की ऑफ हेडिंग्स. कस्टमाइज कैसे करते हैं, व्हाट आर द वेरियस स्टाइल्स, प्लस हाउ टू मैनेज द टेबल ऑफ कंटेंट्स. Seems interesting, na? So, are you ready to watch the video till end? और वीडियो को बिना स्किप करे देखना, तभी आपको एक एक कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा. But before starting this video, na, if you are new to my channel and not subscribed it yet, please subscribe my channel and press the bell icon so that ऐसी videos की notification आपके पास आती रहे. So now, let's start our today's video. Let's start our video. And I think you might have seen table of contents. ठीक है, आपको इसका मीनिंग भी पता है. Let's suppose हमने कुछ content लिखा, काफी सारा content है, topics हैं, chapters हैं, सब topics हैं. अब table of content में क्या होगा बेटा, कौन सा chapter हमारा किस page पर है, right? अब hierarchy of heading को समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ये क्या होता है. ठीक है, now let's suppose for example यहाँ पर मैंने एक अपना topic लिखा, कोई भी टॉपिक आप कह सकते हो. ठीक है, लेट्स सपोज आई एम राइटिंग इट हियर यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, राइट? अब इसके अंदर जो हमारे वेरियस सब टॉपिक्स होंगे दैट आई एम राइटिंग इट हियर, फॉर एग्जांपल सेशन 1 दैट इज स्टाइल्स, लेट मी राइट इट इन द शॉर्ट. सेशन 2 इसमें है आपका बेटा, and the name of the session is creating and using images. Session 3, and that is templates. Session 4, that is table of contents. It's also known as which is TOC, right? And then session 5, this is mail merge. ठीक है, अब हर एक इन टॉपिक्स के अंदर आपके फर्दर सब टॉपिक्स भी हैं. अगर मैं सिर्फ मेल मर्ज की बात करूं तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, लेट सपोज फर्स्ट वन आपका होगा बच्चे इंट्रोडक्शन. ठीक है, नाउ लेट सपोज स्टेप्स टू क्रिएट मेल मर्ज, राइट? इसी के साथ हमारा एक सेकेंड यूनिट भी होगी, उस सेकेंड यूनिट का नेम क्या है बेटा, ओपन ऑफिस केलसी, और यू कैन से योर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं, फिर आपका ऑटोमेटिकली सारा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेशंस आएंगे, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट, लेट सपोज सेशन 1 यहाँ पर उसका नेम आएगा, एंड देन यहाँ पर हम उसका फर्दर जो सब टॉपिक्स है बच्चे वो लिखेंगे. ठीक है, अब मैंने ये तीन अलग अलग कलर में हाईलाइट कर दिए, राइट? अब देखो हेडिंग्स क्या होते हैं, हेडिंग स्टाइल जिसको हम लोग कहते हैं, जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट करी, दिस इज योर हेडिंग 1, मींस जो मेन हेडिंग, चैप्टर हेडिंग आप लोग जिसको कह सकते हो. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है हेडिंग लेवल 2, द वंस व्हिच आई रिटन फ्रॉम ग्रीन कलर, राइट? एंड द वंस व्हिच आई हैव रिटन इन ऑरेंज कलर दैट इज हेडिंग लेवल 3. मींस ये फर्दर इसके क्या है बेटा, लेवल्स. टॉप मोस्ट लेवल हेडिंग 1,
उसके अंदर जो टॉपिक्स है दैट विल बी एट हेडिंग 2, देन उसके अंदर जो टॉपिक्स है दैट विल बी एट हेडिंग 3. ठीक है, इस तरीके से हमारे मल्टीपल लेवल्स होते हैं एंड दीज आर नोन एज योर बच्चों हायरार्की ऑफ हेडिंग्स. राइट, जनरली वी यूज ओनली 3 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स, इतनी हमारे पास सफिशियंट रहती हैं. बट इन ओपन ऑफिस केलसी वी आर हैविंग 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग. ठीक है, तो अगर आपने कोई भी इंडेक्स क्रिएट करना हो सो फॉर दैट ओपन ऑफिस प्रोवाइड्स यू 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स. बट हम जो बेसिकली यूज करते हैं हमारा बाय डिफॉल्ट 3 लेवल के हेडिंग्स पर भी वो सारा का सारा काम हो जाता है. ठीक है, तो हमारा आई एम हैविंग अ वन सैंपल डॉक्यूमेंट जिसमें काफी सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसकी हेडिंग सेट कर दी है. ठीक है, कौन सी मेन हेडिंग है, कौन सी आपकी हेडिंग 2, 3, इस तरीके से. अब नाउ लेट्स स्टार्ट. तो एज यू कैन सी आई हैव ओपन माई डॉक्यूमेंट, इसमें आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं. दीज आई हैव रिटन जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है बेटा, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल. अब ये मेरा चैप्टर है. ठीक है, 2 चैप्टर्स आई हैव इंक्लूडेड, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स. इनकम इंडेक्स क्रिएट करेंगे. राइट, सो अब ये मेरी मेन हेडिंग्स है ना. व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द टेक्स्ट, देन यू हैव टू गो टू हियर. नाउ सी दिस, हेडिंग 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये मेरी टॉप लेवल हेडिंग है. फ्रॉम दिस यू हैव टू अप्लाई द स्टाइल हेडिंग 1. राइट, उसके बाद जो आपके इसके अंदर फर्दर सब टॉपिक्स हैं इसको हमने सेलेक्ट करके क्या कर रखा है बच्चे, हेडिंग 2. ऐसे ये भी इसकी सब हेडिंग है, सेलेक्ट करके हेडिंग 2. देन दिस मेंटल फिजिकल, इसको हमने सेट कर रखा हेडिंग 3. उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट हेडिंग 2. इस तरीके से हमने सभी पूरे डॉक्यूमेंट की क्या बना रखी है बेटा, हेडिंग्स. फिजिकल एक्सरसाइज, अब देखो जो ये है बेटा टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. ठीक है, अब इसके अंदर स्ट्रेस को मैनेज करने की टेक्निक्स कौन कौन सी है, फर्दर फिजिकल एक्सरसाइज. सो दिस आई हैव सेट इट टू हेडिंग 3. एज यू कैन सी दिस वन, दिस इज एट हेडिंग 3. ये स्टाइल हमने इसका क्या कर रखा है बेटा, सेट कर रखा है. योगा, मेडिटेशन, एंजॉयिंग, गोइंग ऑन वेकेशंस, ऑल आर हैविंग हेडिंग 3. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, हेडिंग 3. इस तरीके से हमने इसकी क्या कर रखी है, ये हेडिंग 2 पर है, ये स्टाइल सेट कर रखे. अब नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर है मेरा दैट इज ग्रीन स्किल्स. चैप्टर का नेम है, टॉप मोस्ट लेवल पर होगा, दैट मीन्स आई हैव टू सेलेक्ट हेडिंग 1 और उसके अंदर जो भी आपके सब टॉपिक्स हैं बच्चे दैट आर एट हेडिंग 2. ठीक है, ये इस तरीके से हमने इसको सेट कर रखा है. राइट, नाउ वी विल क्रिएट द टेबल ऑफ कंटेंट. और ऑब्वियसली इफ वी आर डूइंग दिस ऑन कंप्यूटर तो हमें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, इट विल क्रिएट द टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली. राइट, सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू प्लेस द कर्सर वेयर यू वॉन्ट टू क्रिएट द टेबल ऑफ कंटेंट. एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, यू जस्ट हैव टू प्रेस द एंटर की सो दैट ये आपका नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएगा. देन अब यहाँ पर अपना कर्सर प्लेस करेंगे. नाउ सी हियर, विच मेन्यू विल बी यूज्ड टू इंसर्ट द टेबल ऑफ कंटेंट, इंसर्ट मेन्यू. राइट, सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस इंसर्ट मेन्यू एंड देन फ्रॉम हियर यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन इंडेक्स एंड टेबल्स, दिस वन, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन इंडेक्स एंड tables. Right, so I'm selecting these options now in search menu, then index and tables, and then again you have to select index and tables. Right, abhi ke liye for now only, just for 1 or 2 minutes hum isse ki default setting lete hain. Right, I'm clicking on this ok option. So now see this, ab isne mera kya kar diya apne aap se, table of content it has generated. Right, within seconds, कुछ नहीं करना अपने आप, इसने पेज नंबर सब कुछ लिख दिया अपने आप. राइट, इसको यहाँ कर देते हैं, ज्यादा नीचे पहुंच गया. एट नेक्स्ट पेज. ठीक है, अब देखो अभी हमने इसकी सिर्फ डिफॉल्ट सेटिंग्स ली है. इसने मुझे विद टॉपिक विद पेज नंबर इट इज टोल्ड कि हमारा जो है ये टॉपिक इस पेज पर है. ठीक है, अब हमने ध्यान से देखना इसमें हेडिंग्स डिफाइन की थी, जो जिनकी हेडिंग 1 सेट थी बेटा वो आपके बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट साइड पर है.
the ones which I have highlighted from this red color, right? Uske baad now see this. This is at heading level 2. ठीक है? इसकी इंडेंटेशन दिख रही है ना बेटा आप लोगों को इस तरीके से ये स्पेस. अब उसके बाद जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आई टोल्ड यू ना, तो दिस इज एट हेडिंग 3, राइट? इस तरीके से हम अपना टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कर सकते हैं. नाउ लेट सपोज मुझे ग्रीन स्किल वाले टॉपिक पर जाना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल सी द पेज नंबर, दैट इज पेज नंबर 7. तो अब यहाँ से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, पेज नंबर 7 पे. ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करूं तो क्या वो मेरे टेबल ऑफ कंटेंट में भी रिफ्लेक्ट होंगे? डेफिनेटली होंगे. ठीक है, यू जस्ट हैव टू अपडेट दिस. अब नाउ लेट सपोज कि आपने अपने कंटेंट में कुछ चेंजेस किए. अब क्या चेंज करते हैं, सी दिस हेडिंग मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट. ठीक है, इसके जो फर्दर मेन पॉइंट्स है, दिस 4 टाइप्स ऑफ ओरिजिन्स ऑफ स्ट्रेस, मेंटल, फिजिकल, सोशल, फाइनेंशियल, ये मेरा आपका इसमें नहीं आ रहा है बच्चे इंडेक्स में, राइट? अब इसको इंक्लूड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट दिस, इसको हम नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं, एंड देन सेलेक्ट हेडिंग 3, राइट? देन यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन यू हैव टू मेक इट फ्रॉम हेयर हेडिंग 3. देन फॉर दिस ऑल्सो सोशल को सेलेक्ट करेंगे, देन यू हैव टू सेलेक्ट हेडिंग 3. हेडिंग 3 क्यों दे रहे बेटा, उसके अंदर मुझे ये टॉपिक चाहिए, राइट? जोन से हेडिंग लेवल पर आपको ये चाहिए, हम उसको क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, राइट? नाउ यू कैन सी, अब जैसे ही हम यहाँ पर इस लाइन को देखना बच्चों, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट. ठीक है, अब इसमें ओरिजिन ऑफ स्ट्रेस नहीं आ रहे हैं. Now when you have done any changes in your document, just right click anywhere on the table of content and select this option, update index and table, this one, right? So I am clicking on this option, update index or table. जैसे ही मैंने इसको select किया, now see this, mental, physical, social or financial, ये आपका इसमें include हो गया. ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ ये headings का ही हो, कोई भी आपने changes करने हो. Let's suppose कुछ और चेंज करते हैं अब इसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इम्पोर्टेंस, लेट्स जस्ट राइट इट हियर, इंट्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट? यहां पर हम ऐड कर देते हैं वर्ड इंट्रोडक्शन. अब मैंने कुछ हेडिंग लेवल में नहीं चेंज किए, ठीक है, अब वापस से इंडेक्स पर जाएंगे. अब आपको पता है क्या करना, सी दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा हुआ ना, जस्ट राइट क्लिक एनीवेयर एंड देन सेलेक्ट अपडेट इंडेक्स टेबल. तो अब चेक करो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, इंट्रोडक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, अब आपके जो करिकुलम में बाकी ऑप्शंस हैं, अपडेट वाला आई हैव टोल्ड यू, डिलीट ये एंड में कर देंगे. ठीक है, अब आपने क्या करना है, एडिट इंडेक्स और टेबल. तो व्हेन यू सी दिस, तो आपका ये वाला ऑप्शन एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है. ठीक है, इसमें हमारे पास 5 टैब्स हैं बेटा, इंडेक्स टेबल, एंट्रीज, स्टाइल, कॉलम्स एंड बैकग्राउंड. ये हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन. इसमें से सबसे पहले हम कवर करेंगे बच्चे फर्स्ट वन, इंडेक्स टेबल. उसके बाद हम कवर करेंगे कॉलम्स, देन बैकग्राउंड्स. ठीक है, और उसके बाद हम फोर्थ नंबर पे कवर करेंगे एंट्रीज टैब, और उसके बाद हम लास्ट में कवर करेंगे स्टाइल्स टैब. ठीक है, या फिर हम पहले स्टाइल्स टैब कवर कर लेंगे फिर एंट्रीज टैब, बट पहले हम कौन से करेंगे, इंडेक्स टेबल, कॉलम्स एंड देन बैकग्राउंड, एज दीज आर मच इजियर, राइट? सो अब देखो यहाँ पर टाइटल क्या लिखा हुआ, टेबल ऑफ कंटेंट्स. यू कैन सी यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ आ रहा है, बट इफ आई वांटेड टू चेंज दिस तो क्या करें, कुछ नहीं, जस्ट सिंपल राइट द टाइटल हियर. अभी आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की टॉपिक है ना, सो आई एम राइटिंग इट हियर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. After that you have to click on this OK option. तो अब यहाँ पर आपका ये आ गया table of content की heading, that is employability skills, right? अब और changes करते हैं इसमें. Now see this option, protected against manual changes. अब इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है बेटा, protection against manual changes, right? अब देखो ये checkbox आपका tick है बेटा, this one, protected against manual changes. अब अगर ये टिक बॉक्स के आगे टिक लगा हुआ है, तो that means my table of content is protected. उसमें मैं manually कोई भी change नहीं कर सकता.
राइट। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके कीबोर्ड से कुछ प्रेस कर रही हूँ, इट इज क्लियरली शोइंग मी रीड ओनली कंटेंट कैन नॉट बी चेंज, नो मॉडिफिकेशन विल बी एक्सेप्टेड। बट अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करके इसको यहाँ पर इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस इसको ओके कर देते हैं, तो अब यहाँ पर आप कोई भी यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो जो भी अब मेरा कीबोर्ड वर्क कर रहा है, राइट। सो अगर आपने इसको ऑफ करना हो, मीन्स कोई हम मैनुअल चेंजेस ना करें, जस्ट राइट क्लिक एडिट इंडेक्स और टेबल, जस्ट क्लिक ऑन दिस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। नाउ क्रिएट इंडेक्स एंड टेबल फॉर, ऑब्वियसली हमें एंटायर डॉक्यूमेंट के लिए करना है, चैप्टर वाइज करना हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इवेल्युएट अप टू लेवल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या गिवन है, लेवल 10, मैक्सिमम लेवल कितने हैं ओपन ऑफिस राइटर में फॉर इंडेक्स 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितने लेवल ऑफ हेडिंग बने हुए हैं, 1, 2, ये भी हमारे सेकेंड लेवल पर है, एंड दिस इज योर थर्ड लेवल ऑफ हायरार्की हेडिंग, ठीक है। नाउ व्हाट इफ आई वांट कि मेरे टेबल ऑफ कंटेंट में सिर्फ 2 लेवल्स तक ही इंडेक्स बने, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक एडिट इंडेक्स टेबल, 10 से तो देखो आगे नहीं जाएगा, इससे कम कर देंगे। सपोज मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया 2, तो अब ध्यान से देखना जिनकी हेडिंग लेवल 3 है, दैट मीन्स ये वाले टॉपिक्स ये ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, ठीक है। तो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस ओके ऑप्शन, नाउ सी दिस हेडिंग लेवल 3 अब इसमें इंक्लूड नहीं, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन किस लिए कि आपने अपने इंडेक्स में कितने लेवल ऑफ हेडिंग्स तक उसको इंक्लूड करना है। तो हमने क्या सेट कर दिया, अगर आपको सिर्फ चैप्टर के नेम्स चाहिए, इसको मैंने सेट कर दिया हेडिंग लेवल 1, ओके। बस सेल्फ मैनेजमेंट स्किल थर्ड चैप्टर थर्ड पेज पर है, ग्रीन स्किल्स मेरा 7 पेज पर है। वापस से कंप्लीट चाहिए, इसको सिलेक्ट कर दो एंड देन हेडिंग लेवल 3, राइट। यहाँ तक आई होप इट्स क्लियर। नाउ सी दिस ऑप्शन, दैट इज एडिशनल स्टाइल्स, ठीक है। अब इस एडिशनल स्टाइल्स वाले ऑप्शन में क्या है, इसको अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको, ठीक है। अब जो हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स में इंक्लूड हो रहे हैं वो सिर्फ कौन से हैं जिनको हमने क्या अप्लाई करा, हेडिंग 1, 2, 3, ठीक है। हेडिंग 1, 2, 3, 4 अप टू 10 तक ही हम अप्लाई कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। बट अगर मैं यहाँ से कंटेंट 1, 2, 3 इस तरीके से अप्लाई कर दूं, तो वो मुझे इंडेक्स में कैसे चाहिए, नहीं समझ में आया, प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी टॉपिक को ले लेते हैं, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग दिस टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट। अब इसकी हेडिंग क्या गिवन है बेटा, हेडिंग 2, ये आपका इंक्लूड हो रहा है टेबल ऑफ कंटेंट में। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, इसको सेलेक्ट करो, इसका स्टाइल चेंज कर रहे हैं, एडिशनल स्टाइल मीन्स इन हेडिंग के अलावा कोई और स्टाइल भी मेरे पास टेबल ऑफ कंटेंट में इंक्लूड हो जाए, इसको मैंने सेलेक्ट करा। लेट सपोज फ्रॉम हेयर आई एम सेलेक्टिंग कंटेंट वन, अब इसका ये स्टाइल चेंज हो गया। अब अगर मैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करूं, ध्यान से देखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अभी है यहाँ पर, अब इसको अपडेट करते हैं, राइट क्लिक अपडेट। अब ये चला गया ना यहाँ से वो टॉपिक जो हमारे पास था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो अब यहाँ से चला गया। क्यों चला गया बेटा, क्यों, क्योंकि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट किस पर वर्क करता है, हेडिंग्स पर, हेडिंग लेवल 1, 2, 3 इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, एडिशनल स्टाइल अप्लाई करते हैं, मीन्स कि अगर मेरे किसी भी टॉपिक पर हेडिंग के अलावा कोई स्टाइल हो, एक्सेप्ट हेडिंग आई हैव अप्लाइड द स्टाइल, कौन सा स्टाइल अप्लाई किया, कंटेंट 1, नाउ राइट क्लिक एडिट इंडेक्स एंड टेबल, फ्रॉम हियर यू हैव टू सेलेक्ट दिस एडिशनल स्टाइल, इसको टिक कर दो, ठीक है। इसको टिक करके इस बॉक्स पर क्लिक करना, इस बॉक्स पर टिक करने के बाद इस टाइप का आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, राइट। अब हमने कौन सा स्टाइल अप्लाई किया था, कंटेंट 1, इस कंटेंट 1 को यहाँ पर देखो यारोस गिवन है लेफ्ट और राइट, आपको जिस लेवल पर मूव करना है, मीन्स जो हमारा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला टॉपिक है जिसका स्टाइल कंटेंट 1 है, उसको मुझे हेडिंग लेवल 2 पर लेकर आना, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे हेडिंग लेवल 2 आएगा, तो यहाँ से मैंने इस 2 के नीचे इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या कर दो, ओके, एक लेवल आगे पीछे इससे जाएगा बेटा, ठीक है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ओके ऑप्शन, देन ओके बटन। अब देखो यहाँ पर ये मेरा इंक्लूड हो गया, ठीक है, कैसे हो गया, अब इसका जो हेडिंग नहीं है, ये क्या है, कंटेंट स्टाइल अप्लाई किया था, सी दिस कंटेंट 1, ठीक है। अब मुझे बाद में ध्यान आया कि भाई ये टॉपिक हेडिंग लेवल 3 पर है, मीन्स की इस इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है ये टॉपिक,
तो दैट मीन्स हेडिंग लेवल 3 होगा. कुछ नहीं करना, राइट क्लिक, एडिट, एडिशनल स्टाइल्स, इस कंटेंट 1 को एक स्टेप और फॉरवर्ड कर दो. अब ये कहां पर पहुंच गया बेटा, हेडिंग लेवल 3 पर, से दिस. ठीक है, थर्ड लेवल पर पहुंच गया क्या, जो मेरा कंटेंट 1 जिसको मैंने स्टाइल दे रखा है. ओके ओके, एंड देन सी हेडिंग लेवल अब मेरा किस पर आ गया, 3 पर. ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमने कोई हेडिंग स्टाइल नहीं भी लिया है, कोई और स्टाइल भी लिया है, तो उसको हम अप्लाई करके मीन्स उसको किसी भी हेडिंग लेवल तक हम लोग पहुंचा सकते हैं. राइट, इसको वापस से हेडिंग लेवल 2 पर कर देते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एडिट पर जाओगे, राइट क्लिक, एंट्रीज और स्टाइल अभी डिस्कस करेंगे बेटा. नेक्स्ट मेरे पास है कॉलम. कॉलम्स मीन्स कितने लेवल्स के कॉलम्स में आपको क्या चाहिए. टेबल ऑफ कंटेंट बाय डिफॉल्ट 1 कॉलम, यहाँ से मेरे पास 2 कॉलम, 3 कॉलम्स, 2 कॉलम्स विद डिफरेंट साइज. अगर मुझे 2 कॉलम्स चाहिए सेलेक्ट करके, इसको हम क्या प्रेस कर देंगे, ओके. ये हमारा कितने में आ गया बेटा, 2 कॉलम्स. राइट, अगर आपको इन बिटवीन लाइन भी चाहिए तो यहाँ से मेरे पास लाइन का ऑप्शन है, यहाँ से आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी लाइन. ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट करके क्या कर दिया, ओके. अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, इंडेक्स के बीच में लाइन. ठीक है, वापस से 1 कॉलम चाहिए, एडिट पर जाओ, यहाँ से 1 कॉलम सेलेक्ट करो, या यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसको हम कर देंगे ओके. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा बैकग्राउंड, मीन्स इस इंडेक्स के बैकग्राउंड में ये ग्रे ग्रे कलर नहीं अच्छा लग रहा है ना, चेंज करें. दो ऑप्शन है बच्चे, कलर और ग्राफिक्स. ग्राफिक मीन्स इमेज अगर मुझे चाहिए, पहले कलर चेक करते हैं, कोई भी कलर जो आपको पसंद हो सेलेक्ट करके, एंड देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन. तो टेबल ऑफ कंटेंट का पीछे क्या चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर. इसी तरीके से इफ यू वांट तो एडिट पर जाकर के हम लोग ग्राफिक्स पे जाकर के कोई इमेज भी ब्राउज कर सकते हैं. राइट, सपोज आई एम सेलेक्टिंग दिस वन, इसको हम कर देते हैं ओके. तो यहाँ पर आपका इमेज का क्या आ जाएगा बेटा, प्रीव्यू. ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट करके कर दिया ओके. नाउ सी दिस, टेबल ऑफ कंटेंट के बैकग्राउंड में मेरे पास क्या आ गई है, इमेज. तो अगर आपको ना इमेज चाहिए हो ना कोई बैकग्राउंड कलर चाहिए हो, इसको हम कर देंगे नो फिल ओके. पर अगर आपको बिल्कुल ये ग्रे वाला भी नहीं चाहिए हो, तो हम सिंपल क्या कर देंगे, यहाँ से व्हाइट कलर सेलेक्ट करोगे और इसको क्या कर दोगे, ओके डन. ठीक है, और अगर आपने कोई कलर फिल करना हो, तो हम ऑब्वियसली यहाँ से कोई कलर भी फिल कर सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हमारे पास कौन सी टैब है बेटा. राइट क्लिक करोगे, एडिट पर जाओगे, नेक्स्ट टैब मेरे पास आती है स्टाइल्स. अब स्टाइल्स में देखो क्या है, स्टाइल का मतलब क्या होगा, कुछ फॉर्मेटिंग ही अप्लाई करनी होगी. इसमें भी वही एरो टाइप गिवन है ना, जो आपकी किसमें गिवन थी, एडिशनल स्टाइल्स में, दिस वन. दैट मीन्स इससे मैं अपने एलिमेंट्स को मूव कर सकती हूँ. नाउ सी आई एम ओपनिंग दिस स्टाइल्स ऑप्शन. अब इस स्टाइल वाले ऑप्शन में ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड पर तो मुझे हेडिंग के 10 लेवल्स गिवन है. उनका स्टाइल क्या रहता है, जो लेवल 1 पर है कंटेंट 1, लेवल 2 कंटेंट 2, इस तरीके से स्टाइल रहता है. अब ये मेरा पैराग्राफ स्टाइल है. ठीक है, अब देखो इस पर हम स्टाइल्स कैसे अप्लाई करते हैं. लेट सपोज मुझे अपने हेडिंग लेवल 1 पर स्टाइल अप्लाई करना है, यहाँ से कंटेंट 1 सेलेक्ट करोगे, यहाँ से जो स्टाइल आपने अप्लाई करना वो सेलेक्ट करोगे. लेट सपोज आई वॉन्ट टू अप्लाई दिस स्टाइल पैराग्राफ कंटेंट हेडिंग, इसको जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा कंटेंट हेडिंग. नहीं चाहिए वापस से कंटेंट 1 पे जाओगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो. ठीक है, बट हम क्या करते हैं, कंटेंट हेडिंग ले लेते हैं, इसको कर दिया. अब ध्यान से देखना मैंने किस पर करा बेटा, लेवल 1 पर. और लेवल 1 पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल और सेकेंड चैप्टर का नेम दैट इज ग्रीन स्किल्स और ऊपर हेडिंग. राइट, तो इनका स्टाइल चेंज हो जाएगा, इसको मैंने कर दिया ओके. तो अब देखो ये थोड़ा कंटेंट लेवल हेडिंग का आ गया, पहले ये ब्रॉड नहीं था ना इतने बड़े बोल्ड कैरेक्टर्स में, तो इसका स्टाइल क्या हो गया, चेंज हो गया. ठीक है, हम इसमें और भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल राइट क्लिक, एडिट, ये तो बाय डिफॉल्ट कंटेंट हेडिंग गिवन है, इसको सेलेक्ट करो, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एडिट ऑप्शन. इस एडिट ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, लेट सपोज बैकग्राउंड में आपको कलर चाहिए ये वाला. ठीक है, आपने लेट सपोज बॉर्डर भी अप्लाई करना है दिस वन. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला दिस वन. ठीक है, इसको मैंने कर दिया ओके. अगर आपने शेडो अप्लाई करनी हो तो हम शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, थोड़ी थिक शेडो रखते हैं, एंड देन कलर,
ये हम ले लेते हैं लेट सपोज पर्पल, ठीक है, इसको मैंने कर दिया ओके, और यहाँ से मैंने कर दिया ओके। अब देखो जिसकी हेडिंग लेवल वन स्टाइल सेट किया था उसका मेरे पास जो है स्टाइल चेंज हो गया। इफ यू वॉन्ट तो हम हेडिंग टू का भी कर सकते हैं सेम। क्या करोगे, एडिट पर जाओगे, यहाँ से लेवल टू सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ से जो आपको स्टाइल चाहिए वो सेलेक्ट करोगे, राइट। कोई भी स्टाइल जो आपको सेलेक्ट हो सेलेक्ट करके हेडिंग वन या टू कंटेंट वन जो आपने सेलेक्ट करना हो, इस पर किस पर क्लिक कर दोगे बेटा, इस वाली एरो पर, ठीक है। और कोई स्टाइल्स चेंज करने उसी में यहाँ पर ही आप ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हो, काफी सारे ऑप्शंस हैं, दीज ऑल यू कैन अप्लाई, राइट। अब स्टाइल्स वाली टैब भी हो गई, ठीक है। अब अगर मैं एडिट पर जाऊं, आपको करके दिखा देते, कंटेंट टू ही है लेट सपोज, कंटेंट टू इसको सिलेक्ट करूं, मीन्स मैं चाहती हूँ रहे तो वैसे ही बट थोड़ी सी कलरिंग आ जाए। एडिट पर जाओगे, यहाँ से हम बैकग्राउंड पर जाएंगे, इसका कलर लेट सपोज आई एम सेलेक्टिंग दिस येलो वन, दिस लाइट वन, ठीक है। बॉर्डर सेट करना हो बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं, इस पर शेडो नहीं लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया ओके और ये ओके। अब देखो जिनका लेवल टू था वो मुझे अलग से उनका स्टाइलिंग हो गया, इसी तरीके से हम लेवल थ्री का भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास है, सब कुछ इरेज करते हैं और इसी पर वर्क करना है। चलो लेट्स डू इट ऑन दिस, राइट क्लिक, एडिट। अब मेरे पास लास्ट टैब कौन सी बची है बेटा, एंट्रीज। ये ध्यान से समझ, ठीक है। एंट्रीज टैब में देखो ये जो हमारे को गिवन है, दिस इज नॉन एज योर स्ट्रक्चर लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, स्ट्रक्चर लाइन, ठीक है। इस स्ट्रक्चर लाइन पर आपके पास फाइव एलिमेंट्स होते हैं, ई ई हैश, टी हैश सिंपल पेज स्टाइल पेज नंबर के लिए, एल एस एंड देन ई एस एल ई सॉरी, ठीक है। एक ये आपका रिप्रेजेंट करता है एंट्री, चैप्टर नंबर, टैब स्टॉप, पेज नंबर, लिंक स्टार्ट, लिंक एंड। अगर आप यहाँ पर सिर्फ कर्सर रखो तो चैप्टर नंबर दिखा रहा है बेटा ई हैश पर, देन सिंपल ई पर एंट्री, टैब स्टॉप, टैब स्टॉप कौन से है बेटा, जो ये आपके डॉट्स डॉट्स लगे हुए, दीज आर योर टैब स्टॉप, दिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पेज नंबर, एल एस और एल ई, लिंक स्टार्ट और लिंक एंड अभी एक्टिव नहीं है, ये बताते हैं कैसे करते हैं। अब एक चीज देखो बेटा, जब भी आप सपोज आपके पास 500 पेजेस की बुक, कोई बहुत बढ़िया ऑथर की बुक है, ठीक है। अब उसमें आपने सपोज कोई टॉपिक देखा, दैट इज ऑन पेज नंबर 296, लेट सपोज चेक करोगे 296 पेज नंबर ओपन करेंगे, इट विल टेक टाइम। और अगर मैं इसमें भी करूं, मेरे पास कहीं लिंकिंग नहीं है अभी, लिंकिंग मीन्स कि अगर मैं इस पर क्लिक करूं चाहे कंट्रोल के साथ चाहे सिंपल माउस के साथ, मैं डायरेक्ट उस टॉपिक पर नहीं पहुंच रही, ठीक है। लेट सपोज इफ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस ग्रीन स्किल, क्या मैं डायरेक्ट ग्रीन स्किल्स वाले टॉपिक पर पहुंच रही हूँ, नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट पर जाएंगे बेटा, ध्यान से देखना बच्चों, दिस ई शार्प ई हैश से पहले वाले पर, अच्छा पहले तो यहाँ से लेवल सेलेक्ट करोगे किस लेवल की हेडिंग को हाइपरलिंक बनाना है। अभी मैंने क्या लिखा, सिर्फ लेवल वन। इस ई हैश यहाँ पर कर्सर रखने के बाद बेटा यहाँ से हाइपरलिंक पर क्लिक करोगे, ये एल एस टैब आपकी एक्टिव हो गई, दैट मीन्स लिंक स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ तक करना है, इस ई वाली के राइट साइड पर करोगे, यहाँ पर दोबारा से हाइपरलिंक प्रेस क्लिक करोगे, आपका एल ई भी एक्टिव हो जाएगा, दैट मीन्स लिंक एंड हो गया ये एक्टिव। अब आपने किस पर करना है क्लिक, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपकी अंडरलाइन भी आ गई है। अब मैं कंट्रोल के साथ माउस के लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगी, अब मैं डायरेक्ट इस टॉपिक पर पहुंच गई, राइट। सिमिलरली फॉर ग्रीन स्किल्स आल्सो, ये तो हुआ बेटा लेवल वन के लिए। अब अगर मुझे लेवल टू पर या बाकियों पर अप्लाई करनी हो, सिलेक्ट करोगे, ठीक है, या फिर यहाँ पर सिलेक्ट करा ना, इसी को ऑल कर दो, आपकी वो हर एक लेवल पर क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। नाउ सी दिस, हर एक के नीचे आपके अंडरलाइन आ गई, ब्लू कलर में आ गए, दैट मीन्स अब मेरी ये क्या हो गई है, हाइपरलिंक एक्टिव हो गई है, सी दिस, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, पेज नंबर के नीचे अगर मैं इसको जूम करके आपको शो करूं, पेज नंबर के नीचे मेरे पास हाइपरलिंक नहीं है ना, सेम प्रोसेस रहेगा बेटा, राइट क्लिक, एडिट। अब पेज नंबर के लिए मेरे पास कौन सा है बेटा टैब, दिस, ये बताया था ना पेज नंबर के लिए हैश वन, हैश वाला सिलेक्ट करो, इसके लेफ्ट पे और इसके राइट पे, लेफ्ट पे सिलेक्ट किया हाइपरलिंक, एल एस एड हो गया, इसके बाद इसके राइट पर क्लिक करके हाइपरलिंक, इस पे ऑल पे कर दोगे तो हर एक लेवल की हेडिंग पर अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज सिर्फ उसी सिलेक्टेड लेवल पर अप्लाई होगा,
इसको मैंने ऑल करके इस पर क्लिक कर दिया बेटा, ओके पर। अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास पेज नंबर पर भी हाइपरलिंक अप्लाई हो गया, ठीक है। अब नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं, डिलीट कैसे करना है बेटा, राइट क्लिक, एडिट। अब सपोज मुझे ये पेज नंबर वाला डिलीट करना है, पेज नंबर से पहले वाला, ठीक है। पेज नंबर से पहले हमने ये वाला एक्टिव किया था हाइपरलिंक, और एक ये, कुछ नहीं करना है बच्चे, इसको माउस से सेलेक्ट करो। अब नाउ आई एम प्रेसिंग डिलीट की फ्रॉम माय कीबोर्ड, ठीक है। पहले उसको क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, देन यू हैव टू प्रेस डिलीट की फ्रॉम योर कीबोर्ड, राइट। नाउ आई एम प्रेसिंग दिस डिलीट की फ्रॉम माय कीबोर्ड, डिलीट हो गया। सिमिलरली यू हैव टू सिलेक्ट दिस LE ऑप्शन, इसके लिए भी डिलीट की प्रेस कर देते हैं, इसको ओके कर दो, ठीक है। अब ये हमारा जो है उसका हाइपरलिंक, उसको ऑल नहीं किया आई थिंक मैंने, एडिट, दोबारा कर देते हैं पेज नंबर, ये हो गया, इसको मैंने कर दिया ऑल और इसको कर दिया ओके। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास पेज नंबर के लिए भी हाइपरलिंक एक्टिव नहीं है, ठीक है, बट बाकियों के लिए मैंने नहीं डिलीट किया, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखो, ठीक है। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर लाइन। इसमें 5 ऑप्शन है, कौन कौन से, चैप्टर नंबर, दैट मीन्स ई हैश, ई एंट्री, देन टैब स्टॉप, टैब स्टॉप गिवन है, इसको सिलेक्ट करो। ध्यान से देखना बच्चों, ये डॉट्स डॉट्स गिवन है ना बेटा, इसको मैंने लेट सपोज सेलेक्ट करके ये वाला कर दिया, और फिर कर दिया ऑल, करना हो तो ऑल, नहीं तो सिर्फ लेवल 1 पर करते हैं इस बार, और मैंने कर दिया ओके। अब देखो ये डॉट्स डॉट्स से मेरे पास ये डैश डैश में चेंज हो गए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टैब स्टॉप। इसकी फॉर्मेटिंग भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर कोई भी ऑप्शन सेट करनी हो, जस्ट हैव टू राइट क्लिक एंड सेलेक्ट एडिट इंडेक्स एंड टेबल, राइट। तो आप ये सारे ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हो बेटा। एंड सेकंड थिंग, इफ आई वांट टू डिलीट दिस टेबल ऑफ कंटेंट, यू जस्ट हैव टू राइट क्लिक एंड देन सेलेक्ट डिलीट इंडेक्स एंड टेबल ऑप्शन। तो आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट दैट वी हैव क्रिएटेड नाउ, इट्स गेट डिलीटेड नाउ, राइट। सो आई होप इन दिस वीडियो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर नाउ। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द टॉपिक इम्प्लीमेंट मेल मर्ज। सो अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, एंड हाँ, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड नॉट सब्सक्राइब येट, please subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.